जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ नुमान है। मैं इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसमें डॉक्टर वेटरनरी मेडिसिन है, उसके बाद मेरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मास्टर्स हैं और उसके बाद PhD मेरी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन वियना से है, जिसमें फूड सेफ्टी और रिस्क असेसमेंट से मुतालिक जो है मैंने स्टडीज़ जो है वो उसमें की हुई हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ नेशनल इंटरनेशनल जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या डोनर एजेंसीज हैं उनके साथ मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ट्रेनिंग है, रिसर्च है। हमारी जो वक्तन फवक्तन मुश्किल आती हैं मीट इंडस्ट्री को, उनको हल करने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहता हूँ मैं। तो आजकल जो है वो इंडस्ट्री के जिस किस्म के इश्यूज़ हैं उनको डील करने के लिए हम मुख्तलिफ जो रिसर्च पैटर्न्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ मुख्तलिफ रिसर्च ग्रांट्स जो हैं मुख्तलिफ फंडिंग एजेंसी से, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड है, उस पर जो है ना हम डिफरेंट इशूज़ जो हैं उनके हवाले से फंडिंग ले कर तो काम करते हैं। लेटेस्ट जो है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ज़ूनोटिक पैरासाइट्स हैं जो कि फ़िश मीट से ट्रांसमिटेबल हैं, ठीक है। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत कम जो काम है वो हुआ पड़ा है। इससे पहले जो फ़िश के मीट से बियॉन्ड या उसकी स्किन के ऊपर या फ़िश को जब आप खोलें तो उसके अंदर से जो पैरासाइट निकले उसके ऊपर काम मौजूद है। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मीट के अंदर जो पैरासाइट्स चले जाते हैं उनकी मौजूदगी जो है वो कितनी ज़्यादा मौजूद है, ख्वा वो रिवर है, ख्वा वो समुद्री मछली है या जो हमारी फार्म की मछली है उसके ऊपर जो लेटेस्ट हमारी इंटरवेंशन चल रही है। तो इसके साथ साथ हम जो मुख्तलिफ इनोवेटिव पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं या हमारे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है हाइजीन का, सेफ्टी का, उसके अंदर हम इन टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लैब्स हैं वो इस हवाले से फुली इक्विप्ड हैं और लेटेस्ट इक्विपमेंट से जो वो लैस हैं। वह मुख्तलिफ इन इश्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स को भी रिसर्च करवाते हैं और फिर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो अपनी रिसर्च है उसको प्रेजेंट करने के लिए भी हम काफ़ी सरगर्म रहते हैं। एक्चुअली ये जो विजन है वो ये था कि बेस्ड डिपार्टमेंट जो था एनिमल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर लेदर फाइबर डिपार्टमेंट था, डेयरी डिपार्टमेंट था और फिर मीट एंड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एक सेक्शंस थे। तो यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए कि ये सेपरेट सेगमेंट या डिपार्टमेंट्स की फॉर्म के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर इनको डिपार्टमेंट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो तकसीम कर दिया। तो लकीली जो ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ को काफ़ी सारे जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हेल्प आउट जो प्रोवाइड की है। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एज अ सेक्शन तो ये डिपार्टमेंट मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज उसमें है, सिंध में एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर है, मगर सेक्शन के तौर पर एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक कहीं पे भी इस्टेब्लिश नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट के बाद हमने जो है ना इसमें हमारे पास जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर मोहम्मद अय्याज जसपाल, उनकी PhD UK से है, वो भी मीट के ऊपर है और बीफ के हवाले से उनकी जो रिसर्च वो है। तो मेरी जो रिसर्च है वो फूड सेफ्टी और रिस्क के हवाले से, हमारे एक और कोलीग है उनकी जो डॉक्टरेट है स्टडी जो है वो पोल्ट्री मीट के ऊपर है। इस तरीके से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चार और जो कोलीग्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा कनाडा, USA और चाइना के अंदर PhDs कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी वो भी जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा डिपार्टमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं या जो हमने अभी तक काम किया है उसमें हमने जो ऑस्ट्रेलियन मीट कट्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, जो पाकिस्तान के अंदर उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं या उनका ग्रेडिंग प्रोटोकॉल है उसको हमने इस्टेब्लिश किया है। फिर हमारी हम्प यानी कोहान और कोहान के बगैर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर मीट की कितनी रेशो है और कौन सा कट जो है वो कितनी रेशो में निकलता है, ठीक है, इसके हवाले से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से हमने रिसर्च की हुई है। इसके साथ FAO के साथ हमने या यूनिडो के फोरम के ऊपर हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके जो लाइव स्टॉक और मीट सेक्टर्स जो हैं
उसके पूरी पूरी सप्लाई चेन के ऊपर उनको हेल्प ऑप्शन वो किया हुआ है। तो अभी जो लेटेस्ट वहाँ पे एक फैसिलिटी वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं हेटी के अंदर, तो उसको भी जो है हम हेल्प आउट कर रहे हैं इस्टेब्लिश करने के अंदर। तो इस तरीके से फिर कराची की जो इंडस्ट्री है उनको भी हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं, पंजाब की जो इंडस्ट्री उनके साथ तो हमारा निस्बतन ज़रा ज़्यादा इंट्रैक्शन है और वक्ता फ़वक्ता हम उनको विज़िट भी करते रहते हैं उनके मसाइल जानने के लिए, उनके साथ इंट्रैक्शन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने ताई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या टेक्निक्स अडॉप्ट की जा रही हैं उनके मुतल्लिक इंडस्ट्री को अवेयर करें और लेटेस्ट सिनेरियो जो इंडस्ट्री फेस कर रही है, खा वो चाइना की मार्केट के हवाले से हो या आप ये कह सकते हैं जीसीसी कंट्रीज़ की मार्केट के हवाले से हो, तो उनके अंदर वक्तन फ़वक्तन उनको जो दुश्वारियाँ आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सर्च प्रोटोकॉल्स वगैरह इस्टेब्लिश करके उनको देते हैं, उनके जो एम्प्लाइज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, उनको मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उनके हवाले से अक्सर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ इश्यूज़ जो आते हैं उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है हेल्प आउट कर दिया जाए। तो बेसिकली हम जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में नहीं, जितनी मल्टीपल डायरेक्शंस हैं उन सब के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर भी, सेफ्टी के अंदर भी, खा वो रेड मीट हो, वाइट मीट हो, या इंडस्ट्री पॉइंट व्यू से, या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हो, या जो हमारी दूसरी रेलिवेंट बॉडीज़ हैं जैसे ब्लड स्टॉक मार्केट कंपनी है या दूसरे फोरम्स हैं उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट की भरपूर नुमाइंदगी है और हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए और इसके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अपना जो है किरदार अदा कर सकें। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो टर्म है, हम जब स्टूडेंट्स को भी बताते हैं तो दे गॉट आल्सो अमेज्ड। जब जिस तरीके से नॉर्मली दुकानों के ऊपर गोश्त मौजूद होता है और फ्रेश फॉर्म के अंदर होता है उसको हम कहते हैं कारकस, ठीक है। कारकस को जब हम जानवर की साइज़ के मुताबिक जब चिलिंग में रखते हैं या उसको ठंडा करते हैं या चिल्लर के अंदर रखते हैं, उसके बाद जब रिगर मोर्टिस का पूरा प्रोसीजर हो जाता है यानी उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड की वजह से उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं मीट के वो निस्बतन टूट फूट का शिकार हो जाते हैं जिससे मीट टेंडर भी हो जाता है, उसके बाद जो तैयार होगा गोश्त उसको एक्चुअली साइंटिफिक टर्म के अंदर मीट लफ्ज जो है वो उसको डेजिग्नेट किया जाता है, पहले कारकस रिगर मोर्टिस के बाद फिर उसको मीट। तो मीट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जस्ट फ्रेश जानवर को आप स्लॉटर करें उसको मीट अनफॉर्चुनेटली साइंटिफिक टर्म के अंदर इसको नहीं कहा जाता। एक्चुअली जो मीट है वो नॉर्मली दो ही टाइप्स के अंदर है, जैसे आपने इसका जिक्र किया कि रेड मीट और वाइट मीट, तो ये एक्चुअली कलर को डिपिक्ट करता है कि उस पर्टिकुलर मसल का जो कलर है वो रेड है या वाइट है। फॉर एग्जांपल जो पोल्ट्री मीट है उसके अंदर दोनों किस्म के मीट मौजूद होते हैं, जो ब्रेस्ट फिलेट है उसको हम वाइट कहते हैं, जो उसका लेग मसल्स होते हैं उनको हम रेड मीट कह देते हैं। इसी तरीके से अगर आप फिश को ले लें या ऐसे जानवरों को ले लें जो कि नॉर्मल बहुत कम मूवमेंट करते हैं, ब्रायलर के हिसाब से आप कर बात कर लें, ब्रायलर और लेयर सॉरी इसको देसी मुर्गी को अगर आप करेंगे तो उसके अंदर जो रेशोज़ हैं रेड और वाइट मीट की वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे लार्ज एनिमल हैं जिसमें मटन भी है या इसमें हमारे जो लार्ज एनिमल बीफ के हवाले से भी हैं, तो उनमें जो मायोग्लोबिन है जिसकी वजह से उसके मीट का कलर जो है ना वो काफ़ी रेड या निस्बतन पोल्ट्री के नस्बत ज़्यादा रेड होता है, तो वो कलर की बुनियाद पे या मायोग्लोबिन की बुनियाद पे हम उसको कहते हैं रेड मीट। अदरवाइज़ उसमें जो पर्टिकुलर जो गज़ाइत के हवाले से या कलर की बुनियाद पर आप उसकी सिलेक्शन जो है उसका कोई उसमें रोल नहीं है, वो जस्ट मायोग्लोबिन की क्वांटिटी है, वो जितनी ज़्यादा जिस मसल में मौजूद होगी उसको रेड कह देंगे, जिसमें कम होगी उसको हम वाइट मीट कह देंगे। मटन नॉर्मली जो कॉमन हमारी मार्केट है उसके अंदर तो ये कहा जाता है कि जनाब स्मॉल एनिमल्स जो हैं जिसमें भेड़ और बकरी मौजूद है उसको मटन कह देते हैं, मगर साइंटिफिकली लिटरेचर जो है वो इसको जो शीप मीट है उसको हम मटन बोलते हैं, जो गोट है या गोट बकरी का जो गोश्त है उसको हम कहते हैं गोट मीट, वो मटन नहीं है। इसी तरीके से जो काऊ या गाय का जो गोश्त है उसको हम बीफ बोलते हैं, जो बफलो का मीट है उसको बफलो मीट बोलते हैं, मगर लिटरेचर के अंदर या हमारा जो इंस्टीट्यूशनल लिटरेचर है उसके अंदर बीफ मींस लार्ज एनिमल जिसमें गाय मौजूद है, इसमें बफलो मौजूद है, जबकि मटन जो है वो स्मॉल एनिमल जिसमें गोट और शीप मौजूद है नॉर्मली इस तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है। एक्चुअली दुनिया में अगर आप गोश्त की कंजम्पशन के पैटर्न को देखें या स्टैटिस्टिक को देखें तो आपको पता चलेगा कि
तकरीबन सारी की सारी दुनिया के अंदर गाय का गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बफलो दो चार कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना या गल्फ के कुछ कंट्रीज़ होंगे इनमें होंगे, अदरवाइज़ जो बफ की जो स्पीशीज़ हैं वो नॉर्मली दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, और उनको आप ये कह लें कि फार्मिंग या कमर्शियल लेवल के ऊपर नॉर्मली रियर बड़ा कम किया जाता है। तो अगर इसकी गाय की गोश्त या इसकी बीफ की बात करें तो बीफ नॉर्मली जिस तरीके से हमारी मार्केट के अंदर आप एक किलो गोश्त लेने जाएं तो आप ये कहते हैं हड्डी के बगैर दे दें या हड्डी के साथ दे दें, वो कहाँ से उठा के आपको गोश्त दे, नॉर्मली इस चीज़ की जो है वो केयर नहीं की जाती। मगर इंटरनेशनली अगर आप देखें तो उसके स्टेक्स बनते हैं, फिर जो हाई वैल्यू कट्स हैं वो अलहदा निकाले जाते हैं, लो वैल्यू कट्स वो अलहदा निकाले जाते हैं। लो वैल्यू कट्स वो कट्स हैं नॉर्मली जो कि मूवमेंट के अंदर या जानवर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के अंदर हेल्प आउट करते हैं, और हाई वैल्यू कट्स जो कि जानवर के वो बॉडी के हिस्से होते हैं जो कि मूवमेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं होते, उनके अंदर टेंडर मीट जो है वो मौजूद होता है, फैट की क्वांटिटी कम होती है। तो उसके जब स्टेक बनते हैं तो यहाँ पे भी हमारे स्टेक हाउसेज जो मौजूद हैं वो एक किलो स्टेक जो है ना, या नॉर्मली अबल तो होती नहीं है, वो 300 ग्राम या 350 ग्राम की जो स्टेक है वो आपको हज़ारों रुपये में देते हैं। तो अगर आप नॉर्मल फट्टे से लेने जाएँ तो वो शायद आपको 600 रुपये में दे दें, ठीक है। तो वो वैल्यू एडिशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी टर्म है और उसको इस्तेमाल भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वैल्यू एडिशन या मीट के मुख्तलिफ कट्स को निकाल के बतदर्जा उनकी जो स्पेसिफिकेशन है या उनकी क्वालिटी है उसको मद्देनज़र रखे बगैर इन जनरल मीट के तौर पे इस्तेमाल जो है वो कर लिया जाता है। तो इस वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड मीट की वैल्यू एडिशन के बाद उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी हाइजीन ज़ाहिर है वो ज़्यादा केयर की जाती है। हमारी वेट मार्केट अगर आप देख लें तो अनफॉर्चुनेटली वो वाली प्रैक्टिसेस भी नहीं है, वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और वो टेकन केयर भी नहीं की जाती, तो अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से बस वेट मार्केट जो है ना वो एक इनफॉर्मल मार्केट के तौर पर लो वैल्यू मीट कट्स या लो वैल्यू मीट के तौर पर जो है वो ये यहाँ पर पहुँचा रही है कस्टमर्स तक।